वेलकम बैक। परिवहन तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन शुरू किए थे। रेस्पिरेशन में कल क्लास हुआ था जिसमें रेस्पिरेशन का परिभाषा और ऊर्जा के बारे में जानकारी लिए थे। अब हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में जानकारी लें। पिगमेंट माने कलर है, ब्लड पिगमेंट जो होते हैं जो गैस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन CO2 का परिवहन करते हैं। अलग अलग पिगमेंट हैं जीवों में। कुल जो पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन पाया जाएगा, हीमोसाइनिन कॉपर पाया जाएगा, हीमोइरिथ्रिन आयरन पाया जाएगा, इथ्रोक्रुइन और क्लोरोक्रुइन ये भी आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। तो अब जो एनिमल में पाया जाएगा तो एनलिडा आर्थ्रोपोडा, हीमोइरिथ्रिन एनलिडा में, हीमोसाइनिन जो है आर्थ्रोपोडा मोलस्का में, कलर इसका ब्लू होगा और ये सब रेड कलर का होगा। तो मछली, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट ही पाया जाता है। ये पिगमेंट जो है ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने का काम करता है। ब्लड पिगमेंट रेस्पिरेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इंसेक्ट में हम लोग देखे थे कि ब्लड पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका ब्लड जो है कलरलेस होता है। तो ब्लड पिगमेंट क्यों नहीं पाया जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन CO2 का परिवहन जो है ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा हो जाता है। समझ गए ना। अब हम लोग मनुष्य में श्वसन के बारे में जानकारी लेंगे। तो हेडिंग डाल दो, मनुष्य में श्वसन। तो मनुष्य में श्वसन संबंधी अंग हम लोग पढ़ चुके थे। तो एक संरचना बना लेंगे जल्दी से, उसी के अनुसार अध्ययन करें। लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, प्यूरा, एल्वियोली और यहाँ पर डायफ्राम हो जाएगा। ये बायां फेफड़ा हो गया, ये दायां फेफड़ा हो गया। जल्दी से
गला से पाइप लगा हुआ है, गला से दो पाइप हैं, एक भोजन के लिए एक हवा के लिए। तो हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ लिए थे कि गला से एक पाइप लगा हुआ है जो इसोफेगस और स्टोमेक अमाशय में जाकर खुलता है। गला से दूसरा पाइप है, पाइप हवा के लिए होगा, ऊपर का पोर्शन को लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग से ही साउंड निकलेगा तो इसको साउंड बॉक्स भी कहेंगे। लैरिंग्स के बाद यहाँ पर रिंग लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको ट्रेकिया कहेंगे। ट्रेकिया को विंड पाइप या हवा की नली कहेंगे। फूड पाइप ओसोफेगस को कहेंगे, विंड पाइप जो है ट्रेकिया को कहेंगे। ट्रेकिया दो भाग में बढ़ गया और दोनों फेफड़े में प्रवेश किया तब इस पाइप का नाम हो गया ब्रोंकाई। कभी कभी ब्रोंकाई में एलर्जी हो जाने से इसमें स्वेलिंग होगा, डायमीटर कम होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, बीमारी का नाम हो जाता है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस जो है एलर्जी रोग है। अब ये ब्रोंकाई जो पाइप है फेफड़ा के अंदर प्रवेश करके कई ब्रांच में टूटता है और हर ब्रांच जो है सूक्ष्म छिद्र में बदल जाता है। इस सूक्ष्म छिद्र को एल्वियोली कहते हैं, जो फेफड़े का इकाई है। हम लिखा देंगे, पहले समझ लो। फेफड़ा एक आवरण से घिरा हुआ होता है, उस आवरण को प्लूरा कहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो एक आवरण से, कवर से ढके हैं। जैसे हार्ट जो है, पढ़ चुके हैं हम लोग, वो पेरिकार्डियम से ढका हुआ था, उसी तरह से फेफड़ा प्लूरा से ढका हुआ है। और फेफड़ा और प्लूरा के बीच लिक्विड भरा होगा, गाढ़ा द्रव, इसको प्लूरल फ्लूड बोलेंगे। लंग्स का इन्फेक्शन होगा, प्लूरल फ्लूड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इस पर दबाव पड़ता है तो छाती में दर्द बना रहता है। जैसे टीबी के केस में, लंग्स टीबी में, ये प्लूरल फ्लूड का मात्रा बढ़ जाता है। तो प्लूरल फ्लूड में इन्फेक्शन होगा तो प्लूरिसी उसको बोलते हैं। तो इंजेक्शन से इस लिक्विड को निकाला भी जा सकता है या एंटीबायोटिक से इसका इलाज किया जा सकता है। अब एल्वियोली जो सूक्ष्म छिद्र हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में रहते हैं और इसका काम है कि जो वायु आया यहाँ से, उस वायु में जो ऑक्सीजन है उसको ये ब्लड में गिरा देगा और जब वायु लौटेगा तो CO2 को वापस ले जाएगा। मतलब गैस का एक्सचेंज जो है एल्वियोली के स्तर पर होता है। दो फेफड़ा है, बायां और दायां। उसके नीचे जो हम लोग का बक्ष गुहा है उसमें ये फेफड़ा बंद है। हमारे शरीर में दो गुहा होता है, ऊपर वाले को बक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी जिसमें हृदय और फेफड़ा है, और नीचे वाले को उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अमाशय, लीवर, किडनी, प्रजनन अंग सारा उदर गुहा में होता है। यहीं से ओसोफेगस जाता है और उदर गुहा में अमाशय की ओर बढ़ता है। अब यहाँ पर एक पार्टीशन है मांसपेशी का बना हुआ, लचीला है, जिसको डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम आगे से छाती का हड्डी रिब से जुड़ा होगा और पीछे से रीढ़ के हड्डी से जुड़ा होगा। ये जो मांसपेशी है उसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। इस मांसपेशी का नाम है इंटरकोस्टल मसल। अब ये इंटरकोस्टल मसल यानी मांसपेशी जब अप डाउन सिकुड़ता है, फैलता है, तो ये डायफ्राम जो है अप डाउन करता है। तो एक बार सिकुड़ेगा तो ये डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो लंग्स में दबाव पड़ेगा, आयतन घट जाएगा, जिससे हवा जो है बाहर निकलेगा तो हम लोग सांस छोड़ देंगे। ये मांसपेशी जब फैलेगा तो डायफ्राम नीचे चला जाएगा इस पोजीशन में, तब ये आयतन बढ़ जाएगा, दबाव घट जाएगा तो बाहर से वायु अंदर आएगा तो हम लोग सांस ले लेंगे। ये डायफ्राम 24 घंटा अप डाउन करता है, इसका प्रेशर घटता है बढ़ता है। तो प्रेशर घटता बढ़ता है कि उसी के आधार पर हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इतना बात समझ गए ना, इसको राइट डाउन करो, लाइन बाय लाइन लिखो, सब लिखा देते हैं। जो वर्ड है लैरिंग्स, पहला लिखो लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसके द्वारा ध्वनि का उत्पादन होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ये। ध्वनि का उत्पादन होता है
लाइन को बढ़ा दो। पक्षियों में ध्वनि उत्पादक अंग को सैरिंग्स कहते हैं, सैरिंग्स SARYNX सैरिंग्स। पक्षी में ध्वनि उत्पादक अंग को क्या कहा गया? देखिए मनुष्य में क्या कहा गया, तो पक्षी का आवाज और सुरीली होगा तो साउंड उसमें उससे निकलता है, समझ गए दोनों का अंतर। फिर लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आ गया, पाइप जिसमें रिंग लगा हुआ है, रिंग जहां से शुरू हुआ वहां से ट्रेकिया वर्ड यूज होगा। तो लाइन को बढ़ाओ कि ट्रेकिया को हवा की नली भी कहते हैं, विंड पाइप हवा की नली भी कहते हैं। यह दो भागों में बटकर दोनों फेफड़े में प्रवेश करता है। जिसे ब्रोंकाई, एक टर्म आया था ना ब्रोंकाई कहते हैं। पॉइंट बढ़ा दो। ब्रोंकाई में एलर्जी होने से ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी होती है। ब्रोंकाइटिस वर्ड से क्या बन गया, ब्रोंकाई से बन गया ब्रोंकाइटिस। उसी तरह से जान लो और भी नाम, लैरिंग्स में इन्फेक्शन होगा एलर्जी होगा तो लैरिंगाइटिस, ट्रेकिया में इन्फेक्शन होगा ट्रेकाइटिस, अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उधर अभी तक नहीं गया जीएस में, लेकिन ब्रोंकाइटिस पूछा हुआ है मैंने किस प्रकार का रोग है, बैक्टीरियल है वायरल है कि एलर्जी है, तो एलर्जी डिजीज है ये, समझ गए ना। चलिए अब ब्रोंकाई प्रवेश कर गया फेफड़ा में, तो वहाँ ध्यान देते हैं, बायां दायां दो फेफड़ा हम लोग के पास है, तो अब वो कई ब्रांच में टूटेगा, तो जैसे वृक्ष के तरह लग रहा था, इसको उल्टा दी हम कर दें तो नीचे मेन हो गया वृक्ष का, ऊपर पत्ती शाखा हो गया, तो इसको रेस्पिरेटरी ट्री भी कहते हैं जो उल्टा है, और ट्री का लास्ट भाग पत्ती होता है, तो इसमें लास्ट भाग है एल्वियोली, और वहीं से गैस एक्सचेंज होगा ब्लड में डिफ्यूजन के बेसिस पर, समझ गए ना, कि अधिक कंसंट्रेशन को दे देगा कम कंसंट्रेशन को ले लेगा। तो लिखिए लाइन बढ़ाइए कि फेफड़ा एक आवरण से घिरा होता है, फेफड़ा एक आवरण से घिरा होता है जिसे प्लीयूरा कहते हैं, प्लीयूरा कहते हैं। नेक्स्ट, प्लीयूरा और फेफड़े के बीच, प्लीयूरा और फेफड़े के बीच गाढ़ा द्रव्य भरा होता है, विस्कस फ्लूड, गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे प्लीयूरल द्रव फ्लूड, RAL लगा दो, प्लीयूरल द्रव कहते हैं, जो फेफड़े को संक्रमण इन्फेक्शन और चोट से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी
प्लूरल द्रव में संक्रमण हो जाने से प्लूरिसी, RISY करना लास्ट में, प्लूरिसी नामक बीमारी होती है। समझ रहा है बात को? प्लूरिसी का मतलब प्लूरल फ्लूड में इन्फेक्शन हो गया, तो उसका मात्रा बढ़ जाएगा। मात्रा बढ़ जाएगा तो फेफड़ा पर दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो दर्द होगा, तो जनरली छाती के दाएं भाग में दर्द बना रहेगा, पीठ के पीछे भाग में दर्द बना रहेगा। तो पीठ या छाती में रेगुलर पेन है तो प्लूरिसी हो सकता है। फेफड़ा का कोई भी इन्फेक्शन है तो प्लूरिसी होगा ही। जैसे लंग TB हो गया तो प्लूरल फ्लूड का मात्रा बढ़ जाता है, दबाव पड़ता है, तो दबाव पड़ेगा इस झिल्ली पर तो उसका प्रेशर पीठ में जाएगा तो पीठ में दर्द बना रहेगा। पीठ में दर्द को इजी नहीं लेना है। पीठ में दर्द रेगुलर यदि है तो गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है या फेफड़ा में प्रॉब्लम है, ये तीन तरह का स्कीम होता है। तो पीठ बैक पेन यदि कमर में है तो दूसरा हिसाब है, लेकिन ऊपरी भाग पीछे में है गर्दन से नीचे कमर के बीच वाला पोर्शन में रेगुलर है, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना से दर्द बना हुआ है, दर्द नाशक खाए तो थोड़ा देर के लिए ठीक हो गया लेकिन फिर आ गया दर्द, तो वो इतना समस्या को क्रिएट का इंडिकेशन वो दे रहा है। गॉल ब्लैडर भी खराब होता है तो पीठ में दर्द बना हुआ है, या पथरी हो जाएगा दर्द बना हुआ है। प्रेशर का सिद्धांत है, प्रेशर वहाँ पड़ता है तो पेन क्रिएट कर देता है, बात समझ गए? इसलिए प्लूरिसी वाला बीमारी में होगा ही, दर्द बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्वियोली के बारे में लिखें कि एल्वियोली, लाइन में लिखते जाओ, एल्वियोली सूक्ष्म छिद्र है, एल्वियोली सूक्ष्म छिद्र है जिसे फेफड़े की इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ लंग्स। यूनिट से अलग क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन कहलाता है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन कहलाता है, यूनिट ऑफ लंग्स क्या कहलाएगा? एल्वियोली। समझ गया मत? इकाई कहते हैं इसके द्वारा, उसी लाइन में चलना, इसके द्वारा गैसों का विनिमय, गैस माने O2CO2, गैसों का विनिमय रक्त के साथ होता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड विथ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विथ ब्लड, ब्लड के साथ होता है, ठीक है। अब बच गया हमारा डायफ्राम, सब स्ट्रक्चर को जानकारी ले रहे हैं तो लाइन को बढ़ाओ कि डायफ्राम मांसल लचीला संरचना है, जो मांसपेशियों के द्वारा, यार एक सेकेंड, उसका नाम लेके चलो, जो इंटरकोस्टल मांसपेशी के द्वारा, इंटरकोस्टल मांसपेशी के द्वारा छाती की हड्डी, छाती की हड्डी कोस्ट में रिब्स कर दो, RIBS, तथा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है, माने दो गो मांसपेशी है बीच में लटका हुआ है ना, एक तरफ छाती का हड्डी से अटैच कर दिया, एगो रीढ़ की हड्डी से पीछे अटैच कर दिया, अब बीच में डायफ्राम लटका हुआ है। अब वो मांसपेशी सिकुड़ेगा तो डायफ्राम ऊपर चल गया, तो ऊपर चल गया दबाव हो गया तो सांस छोड़ देंगे, मांसपेशी रिलैक्स हो गया तो नीचे चल गया, इसी मसल का खेला है। और ये मसल 24 घंटा काम करता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। यदि ये मांसपेशी में थकावट आ गया तो सांस बंद कर देगा। समझ रहा है कौन चीज़ का बना होगा वो? उसको आजीवन काम करना है, रुकना नहीं है। इसलिए कभी कभी जो सांस रोकने वाला जो एक्सरसाइज होता है योग में, उसको कहता है कि कीजिए, ताकि उसको भी रेस्ट दीजिएगा ना, कि चलाते रहिएगा सब दिन
10 मिनट 5 मिनट रेस्ट देना चाहिए। तो योग में आसन है, सांस को रोको, फेफड़ा का भी रेस्ट दो थोड़ा सा, क्योंकि आजीवन काम करने वाला ये सब अंग है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ब्रेन हो गया, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, ये तीन चीज़ ऐसा है जो आजीवन चलेगा। अब इसमें वारंटी गारंटी का हिसाब नहीं होता है, बंद हुआ तो फिर ठीक होने वाला नहीं है। तो लिखना कि जब मांसपेशी सिकुड़ता है तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है, जिससे बक्ष गुहा और फेफड़ा दोनों कर दो, बक्ष गुहा और फेफड़े में वायु दाब बढ़ जाती है, जिससे सांस छोड़ते हैं उसी प्रकार जब मांसपेशी फैलता है तो डायफ्राम नीचे जाता है, दबाव घटता है, मैंने फेफड़ा में दबाव घट गया, शॉर्ट कर रहे हैं लैंग्वेज, दबाव घटता है तो सांस लेते हैं, तो सांस लेना छोड़ना किसके मूवमेंट पर डिपेंड करता है। यदि एक्सीडेंटल डायफ्राम में ब्रेकडाउन हो जाए, मान लो एक्सीडेंट हो गया, यही ब्रेक कर गया, या कोई घायल हो गया, चाकू छुरी चल गया, इसी को काट दिया, गोली लग गया, वो सेंसिटिव चीज़ है, तो वैसे व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिया जाता है तो उसका जान बच जाएगा। कृत्रिम श्वसन में मुंह से उसके मुंह में या नाक में हवा भरेंगे, फिर फेफड़ा पर दबाव देंगे तो हवा बाहर आ जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक उसको अस्पताल नहीं पहुंचा दिया जाता है, आधा घंटा, 15 मिनट 20 मिनट उसको सांस चलते रहना, मैंने फेफड़ा को फुलाना है छोड़ना है। इसलिए कि डायफ्राम वैक्यूम टूट गया, उसका वैक्यूम टूट गया तो अप डाउन करेगा, प्रेशर डेवलप नहीं होगा, समझ गया ना। तो वो प्राथमिक उपचार में ही आता है कि उसको देना पड़ेगा हवा। चलिए अब लिखिए फेफड़ा के कार्य। अब प्रश्न है कि फेफड़ा क्या काम करता है, ठीक है, तो डैश देकर लिखो, रक्त का शुद्धिकरण करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण करना या इसका दूसरा भाषा गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय का मतलब ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, तो CO2 छोड़ना उत्सर्जन भी कहलाता है। तो मान लो फेफड़ा के कार्य में उत्सर्जन भी लिखता है तो वो भी सही होता है, तो उसी में लिख दो कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, डिटेल कर दो, ऐसा नहीं कि चॉइस खराब हो जाए तुम्हारा। CO2 छोड़ना कोस्ट में कर देना उत्सर्जन, वही मीनिंग लिख दो। CO2 छोड़ने का मतलब क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ, यानी शुद्धिकरण और उत्सर्जन दोनों चॉइस दे दें। अब तीसरा दे कि दोनों काम करता है तो दोनों आंसर हो जाएगा, समझ गए, टेक्निकल चीज़ है। फेफड़ा का कार्य हो गया, ये फेफड़ा का हम लोग स्ट्रक्चर देखें। अब स्टेप को चेंज करके लिखिए, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ब्रीदिंग
इसका हिंदी वर्ड है श्वासोच्छ्वास। ब्रीदिंग कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रीदिंग दो चरणों में पूरा होती है। ब्रीदिंग दो चरणों में पूरा होती है। पहला इंस्पायरेशन का मतलब सांस लेना। सांस जब लेते हैं तो वायुमंडल के गैस को लेते हैं, यानी ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% और CO2 कितना है, इतना परसेंट। दूसरा स्टेप है एक्सपायरेशन, यानी सांस छोड़ना। जब छोड़ते हैं तो गैस का परसेंटेज बदल जाता है, ऑक्सीजन 16% और CO2 3.6%, लगभग 4 में आंसर जा सकता है। इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है तो इसको ध्यान देना पड़ता है। ये तो वायुमंडल का है, तो छोड़ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है ना गैस का, तो इसी से करेगा क्वेश्चन कि सांस छोड़ने में ऑक्सीजन कितना होता है, सांस छोड़ने में CO2 कितना होता है। समझ आया बाजी, क्लियर है? फिर आगे बढ़ो। सांस लेने और छोड़ने में लगा समय, सांस लेने और छोड़ने में लगा समय को श्वसन दर कहते हैं। तो दर का मतलब क्या होता है, लगा समय, उसका मीनिंग होता है टाइम से भागा दे देंगे तो दर हो गया। यानी हुआ नेक्स्ट, वयस्क में श्वसन दर, वयस्क में श्वसन दर का मान बराबर कर दो 16 से 18 प्रति मिनट। उसके नीचे लिखो नवजात में श्वसन दर, नवजात में श्वसन दर का मान 29 से 32 प्रति मिनट। नेक्स्ट, ऊंचाई पर जाने से तापमान बढ़ने से क्रोध उत्तेजना डर गर्भावस्था में श्वसन दर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो जितना कंडीशन हम लिखा है उसमें तीन चीज बढ़ेगा, श्वसन दर, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, दोनों तापमान, शरीर का तापमान या मौसम का तापमान, तापमान में दोनों कंसीडर होता है, बॉडी टेम्परेचर भी, जैसे फीवर आ गया या गर्मी का समय आ गया, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों काउंट होता है। तो भी अच्छा डीप कॉन्सेप्ट जाओगे तो दोनों हो जाएगा, समझ गए बात। अरे ऊंचाई पर जाने से कई परिवर्तन होता है, तो एक बार चर्चा हुआ था कि हाई एल्टीट्यूड पर यदि हम जाते हैं तो श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट
हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, आरबीसी का संख्या, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, ये सारा मान इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो निवासी परमानेंट ऊंचाई पर रहता है तो उसका परमानेंट बढ़ जाता है, इसलिए ऊंचाई पर निवास करने वाला ठंडे प्रदेश के जो निवासी होते हैं उसके गालों में लालिमा पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर, तिब्बत, यहाँ पर लालिमा रहेगा, शेड लाल का लगेगा कि मेकअप किया है। तो मेकअप नहीं किया, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, चूँकि हवा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का घनत्व तो कम हो जाता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैच करने के लिए वो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ा देगा, आरबीसी का संख्या बढ़ा देगा, ब्लड को तेज़ी से घुमाएगा, जल्दी ऑक्सीजन ले। मान लो कि हमको एक मिनट में एक लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो हम समुद्र तल पर हैं, हम ऊपर चले गए तो ऑक्सीजन का उसमें कंसंट्रेशन कम हो गया, घनत्व, लेकिन हमको एक लीटर चाहिए ही, उसके लिए शरीर क्या किया कि जल्दी जल्दी सांस लेगा, जल्दी से ब्लड घुमा देगा शरीर में ताकि सेल तक पहुंच जाए, यानी सारा प्रक्रिया को तेज कर देता है, यही लॉजिक होता है। कुछ दिन ऊंचाई पर हम रहेंगे तो कुछ दिन बढ़ जाएगा, फिर हम ज़मीन पर आ जाएंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो परमानेंट ऊंचाई पर रह गया तिब्बत का निवासी, उसका परमानेंट बढ़ गया, 160/100 उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन हम लोग के मैदानी भाग में यदि 160 हो जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो हाई लो का कंसेप्ट एरिया वाइज होता है, पहाड़ का लिए अलग होता है, इन जनरल मैदान का ही काउंट होता है। अब यहाँ पर दो डायरेक्शन में हम जाएंगे, एक तो गोताखोरी का प्रश्न लेंगे और एक है कि जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसका डिटेल हम देखेंगे। तो पहले गैसियस एक्सचेंज का डिटेल देख लो, तो लिखो कि गैसों का विनिमय, लिखो फेफड़े के एल्वियोली में, तो एल्वियोली पढ़ चुके हैं हम लोग, एल्वियोली में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, PO2 बोलते हैं, आंशिक दाब 100 mmHg होता है, 100 mmHg होता है जबकि धमनी के रक्त में, आर्टरी, धमनी के रक्त में PO2 लिख दो, ऑक्सीजन का आंशिक दाब को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, PO2, धमनी के रक्त में PO2 का मान 95 mmHg होता है, उत्तकों में, अब देखो समझ जाओगे तुम, खाली PO2 लिखो, उत्तकों माने समझ रहा टिश्यू, उत्तकों में PO2 का मान 20 mmHg होता है, 20 mmHg। तो सबसे अधिक दाब हमको कहाँ मिल रहा है, एल्वियोली वही ना है, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर जाता है, तो एल्वियोली से धमनी में जाएगा, धमनी से उत्तक में जाएगा, तो ऑक्सीजन चला गया। अब CO2 को लौटाना है तो CO2 का दाब देख लेंगे कैसे दाब है, तो लाइन चेंज कर दो, उत्तक और कोशिका में CO2 का आंशिक दाब 2 पी माने पार्शियल प्रेशर, पी माने क्या हुआ बोलो, यानी आंशिक दाब किसका, कहाँ, कोशिका और या उत्तक में, बराबर लिखो 52 mmHg, कोमा देखें, सिरा यानी भेन में PCO2 बराबर
46 mmHg और एल्वियोली में, एल्वियोली में PCO2 बराबर 40 mmHg। तो 46 से कितना हुआ, 52 हुआ पहले, 52 से 46, 46 से तो घटते क्रम की ओर भागेगा CO2। तो कोशिका उत्तक से CO2 निकल कर एल्वियोली की ओर जा रहा है, इसी को विसरण कहा जाता है कि अधिक दाब से कम दाब। जबकि हम लोग ऑक्सीजन का दाब क्या देखे थे एल्वियोली में, 100, उसके बाद कहाँ पर था ये, धमनी में, उसके बाद उत्तक में 52 नहीं है, 20, तो 195 20, ये इस ऑर्डर में भागेगा। तो इधर बताओ, तो ये इधर से इधर भागेगा, हाँ समझ गया, यानी एल्वियोली लास्ट पॉइंट दोनों में है, एक का शुरू का पॉइंट है, एक का लास्ट पॉइंट। तो एल्वियोली में इन करेगा O2 और CO2 जब सांस छोड़ेंगे तो निकल जाएगा, प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, समझ गया। चलो फिर स्टेप चेंज करके लिखो, रक्त में गैसों का परिवहन, अब ये तो फेफड़ा से लेके हम उत्तक तक पहुँचे थे, अब रक्त में जो घूम रहा है O2 CO2 वो कैसे घूमता है, रक्त में गैसों का परिवहन, तो लाइन में लिखो, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य दो विधि द्वारा होता है, मुख्य दो विधि द्वारा होता है, पहला विधि लिखो, घुलनशील गैस के रूप में, घुलनशील गैस के रूप में, उसी में डैश दे दो, लिखो 3% ऑक्सीजन, तेजी में लिखना मैटर ज्यादा है, 3% ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में घुलकर, और सबका हिसाब पूछेंगे बाद में, ब्लड प्लाज्मा में घुलकर कोशिका तक जाता है, दूसरा विधि लिखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, लिखो 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, वितरित होता है तो ऑक्सीजन का परिवहन दो विधि, कौन कौन विधि हुआ, अब लिखो CO2 का परिवहन, दो गैस हमारे पास है, एक अप में है दूसरा डाउन में है, तो CO2 का परिवहन 3 विधि द्वारा होता है, डैश देखें, 3 विधि द्वारा, पहला घुलनशील गैस के रूप में, उसी में डैश दे दो कि 70% CO2, 70% CO2 ब्लड प्लाज्मा में घुलकर
शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा, बाइकार्बोनेट के रूप में तो 7% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में निकलता है। तो बाइकार्बोनेट आया कहां से है? तो रक्त में जल है, तो CO2 प्लस वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड दो भाग में टूट जाएगा, H+ और प्लस HCO3-, इसी को बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। इसको लिख लो, स्टेप वहां कर लो कि CO2 जल में घुला, ब्लड प्लाज्मा में जो जल है उसमें घुला, कार्बोनिक एसिड बनाया और कार्बोनिक एसिड दो भाग में टूट गया, H+ और HCO3-, HCO3- को ही बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। अब लास्ट एक और बच गया, तीसरा, कार्ब एमिनो कंपाउंड के रूप में, कार्ब एमिनो कंपाउंड के रूप में लिखो 27% तेईस परसेंट CO2 का परिवहन इस रूप में होता है और मिलाओ बात को, CO2 का परिवहन तीन तरीका से। पहला तरीका क्या हुआ बोलो? भूल गया, कितना परसेंट? 70%। दूसरा, बाइकार्बोनेट आयन पानी से रिएक्ट कर गया, कितना परसेंट? और तीसरा, कंपाउंड के रूप में, तो 100% पूर्ण गया हमारा। जबकि ऑक्सीजन दो विधि से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कौन कौन विधि ऑक्सीजन का है? और ऑक्सीहीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं भी रहेगा तो ऑक्सीजन जाएगा 3%। यही ना कहने का मतलब, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है CO2 के ट्रांसपोर्ट से कि अधिकांश CO2 किस विधि द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, तब आंसर हमारा क्या बन जाएगा? या ब्लड प्लाज्मा में घुलकर ही बाहर, समझ गए बात? अभी कुछ और बचा हुआ है, आज इतना रहने दीजिए। हम लोग क्या क्या पढ़े? रेस्पेक्टिव पिगमेंट पढ़े, मनुष्य में श्वसन अंग के बारे में जानकारी लिए, फेफड़ा के बारे में जानकारी लिए, ब्रीदिंग के बारे में जानकारी लिए, ऊंचाई जाने पर क्या होगा उसके बारे में जानकारी लिए, और गैस का परिवहन जो होता है O2 CO2 अलग अलग, उसका जानकारी लिए। कुछ मैटर और है, अगले क्लास में जारी रहेगा। जय हिंद।